okay, comparing quantity, chapter 8, standard 7, okay. एक्सरसाइज 8.2 तक हमने कर लिया था, मीन्स ये क्रिकेट टीम ने 20 मैच प्ले की थी, 25% उसका फाइन किया था और वो कितने मैचेस उन्होंने विन की थी वो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेशियोज टू परसेंटेज। मीन्स अगर आपको कोई भी डेटा रेशियो में दिया है तो इसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या कोई भी लाइक आपको ऐसा बोलेगा कि इसमें से 1/5 पार्ट में ये है, 1/4 में ये है, 1/3 में ये है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा? तो ये रेशियो में से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, मीन्स रेशियो में से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 14, रीनास मदर सेड, क्या टू मेक इडलीस यू मस्ट टेक 2 parts राइस एंड 1 part उड़द दाल। ओके, तो उन्होंने क्या बताया, इडली क्या बनानी है, इडली क्या बनानी है, इडली, ओके, इडली में कितने पार्ट, 3 parts है टोटल, कितने पार्ट है, 3 parts, 3 parts में 2 parts में क्या है, 2 parts में राइस और 1 part में क्या है, तो 1 part में है उड़द की दाल, क्या है, 1 part में उड़द की दाल। अब क्या बताएं, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ सच अ मिक्सर वुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ वुड बी उड़द दाल। ओके, अब आपको ये दिखाना है कि जो टोटल मिक्सर है, क्या जो टोटल मिक्सर है उसमें से राइस का परसेंटेज कितना है और उड़द की जो दाल है उसका परसेंटेज कितना है। तो पहले तो देखो, हमने क्या बताया कि इडली जो बनती है, क्या इडली जो बनती है, इडली में टोटल क्या है, इडली जो बनती है वो इडली में टोटल 3 parts है, 3 parts में 2 parts राइस और 1 part दाल। तो पहले रेशियो फाइंड करें उसका, तो रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले रेशियो फाइंड करो, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर मुझे राइस का रेशियो पता करना है, किसका, राइस का और नीचे उड़द की दाल का, तो राइस कितना है टोटल पार्ट में, राइस कितना है 2 parts, तो उसको ऊपर लिखो, तो 2 ऊपर लिखा, टोटल नीचे, टोटल कितना है 3, तो 3 नीचे। वैसे ही उड़द की दाल का परसेंटेज फाइन करना है, तो उड़द की दाल कितने पार्ट में है, 1, तो 1 को ऊपर लिखो, टोटल कितना है 3, तो 3 को ऐसे लिखो। तो जो टोटल आपका जो मिक्सर बन रहा है, टोटल मिक्सर में 2/3 parts का राइस होगा और 1/3 parts का, 1/3 parts की दाल होगी। फिर से रीना's mother said to make a idli you must take a 2 parts of rice and 1 part of urad dal। तो इसका हमने रेशियो फाइन कर लिया। अब हमको परसेंटेज पता करना है और हमको पता है रेशियो में से परसेंटेज में जाना है, क्या रेशियो में से अगर हमको परसेंटेज में जाना है तो क्या करते हैं, जो भी हमको रेशियो दिया है वो वैसे का वैसे लिखो, उसमें 100 का इंटू कर दो, मीन्स मल्टीप्लाई कर दो और पीछे परसेंटेज लगा दो, और ये 2/3 किसका था, राइस का, तो ये मिक्सर में किसका परसेंटेज मिलेगा, राइस का मिलेगा, किसका मिलेगा, राइस का। बस इसको सिंपलीफाई कर दो, तो 3 से ये कटेगा तो नहीं कटेगा ना, तो 200 डिवाइडेड बाय 3, क्या 200 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा 66.66%। क्या आंसर आएगा, 66.66%। या तो ऐसे भी लिख सकते हो 66.2/3%, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और अगर उड़द की दाल का परसेंटेज फाइंड करना है, तो उड़द की दाल का परसेंटेज अगर मुझे पता करना है, तो उड़द की दाल कितने पार्ट में है, 1/3, तो 1/3 लिखो, 100 का मल्टीप्लीकेशन करो और पीछे परसेंटेज लगा दो, तो इसका आंसर आएगा 33.33%, या तो 33.1/3%, ये दोनों आंसर आएंगे। ओके, तो परसेंटेज राइस का कितना होगा, 66.66, और उड़द की दाल का 33.33। अब दोनों का प्लस करो तो 100 हो जाता है ना, तो ये आपका आंसर सही हो गया। अब एग्जांपल नंबर 15, क्या बताया है, इफ ₹250 इज डिवाइडेड अमंग रवि, राजू एंड रोहित, तो रवि गेट्स 2 parts, राजू गेट्स 3 parts और रोहित गेट्स 5 parts। ओके, अब इसमें डायरेक्टली बता देता हूं मैं, क्या रवि को कितना मिला था, रवि को कितना पार्ट मिला, 2, राजू को कितना मिला, 3 और रॉय को कितना मिला, 5, तो टोटल पार्ट कितने हो गए देखो, 10। तो पहले रेशियो फाइंड करो, तो रवि का कितना रेशियो होगा, कि रवि को कितने पैसे मिले उसका रेशियो, तो रवि को 2 parts मिल रहा है अपॉन टोटल, तो 1/5, ये किसका हो गया, रवि का हो गया। फिर राजीव, तो राजीव को कितना मिल रहा है, 3 अपॉन टोटल, तो 3/10।
फिर रॉय, रॉय को कितना मिल रहा है 5 अपॉन टोटल 10। अब डायरेक्ट हमको परसेंटेज करना है तो क्या करेंगे हम, परसेंटेज करना है तो 100 का मल्टीप्लीकेशन करो और पीछे परसेंटेज लगा दो, तो 5 से 20 तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। क्या आएगा 20%। वैसे ही 3/10 उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो और पीछे परसेंटेज लगा दो, तो 10 कटेगा तो 3/10 का कितना होगा 30, तो ये होगा 30%। फिर 5/10 है तो इसको 5/10 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दो, तो 10 कटेगा तो 5/10 का कितना होता है 50%। अब मैंने क्या बताया कि आपको पता करना है कि आपका आंसर सही है, तो क्या करो तीनों का प्लस करो, तो ये है 20, ये है 30 और ये है 50, तो 50, 30, 20, तो टोटल सम कितना हो गया 100 हो गया ना। तो इसका आंसर क्या है कि रवि को 20% मनी मिल रहा है, राजीव को 30% मिल रहा है और रॉय को 50% मनी मिल रहा है। तो ऐसे आप किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके।